किन्नर के घर लाखों की ज्वेलरी चोरी करने वाले नचनिया धराए गए, फोटो से पुलिस ने दबोचा। आपको बता दें पुरंदरपुर थाना क्षेत्र गजपति गांव के निवासी किन्नर रजनी गुप्ता के घर से बीते 24 दिन को हरियाणा और राजस्थान से आए दो नाच गाना का कार्य करने वालों ने सोना चांदी जेवर चुरा लिए थे। किन्नर ने पुरंदरपुर पुलिस को इसकी लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद पुलिस चोरी की जांच में जुटी थी। आज सोमवार को दोनों चोरों ने को पैसिया तिराहा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप्ता ने बताया किन्नर के घर सोने चांदी की चोरी के मामले में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये दोनों हरियाणा और राजस्थान से आकर नाच गाना का कार्य करते थे और इसी का फायदा उठाकर इन लोगों ने चोरी घटना को अंजाम दिया। एसपी ने बताया कि दोनों चोर बार बार अपने मोबाइल का सिम और लोकेशन बदल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि इसमें से एक व्यक्ति चोरी की हार को पहनकर फेसबुक पर अपना फोटो पोस्ट किया। इसी के आधार पर पुलिस ने दोनों चोरों को दबोच लिया। इनके पास से सोने के हार, माथे का टीका, अंगूठी, कान की बाली, झुमका, चांदी की अंगूठी, पायल, सामान आदि सामान बरामद हुए। इन दोनों अंतर राज्यीय चोरों को धारा 380 411 के तहत अभियोग पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। दिनांक 24 पिछले महीने को ये हमारे यहाँ पुरंदरपुर थाने में एक किन्नर है, उसके यहाँ बाहर के दो किन्नर आके रुके, राजस्थान के और हरियाणा के, और उसके यहाँ से उसकी जेवरात की चोरी की गई। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इन लोगों ने जो जेवर थे उनको पहन के फेसबुक पे फोटो पोस्ट की, जिससे पता चला कि चोरी इन्होंने की है। पुलिस ने इनके तलाश में कई जगह दबिशें दी, पंजाब में, हरियाणा में इनकी गिरफ्तारी हुई है और जो चोरी गया सारा माल है वो बरामद किया गया है। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।